गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल एंड डू आई विल रीड ट्वेल्व इट इज अ स्टोरी ओके एट द थियेटर टू द लेडी बिहाइंड मी वी आर अ लेफ्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दियर द लेडी यू हैव प्रॉड विथ यू और ये जो औरत तुम अपने साथ जो लाए हो ना इज आई इन फॉर अ हाफ विथ टू ये भी तुम्हारी तरह ही मूर्ख है जो इसका कंक्लूजन बता रही है निष्कर्ष बता रही है बट आई कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट एजिस्टेंस फ्रॉम योर नीस और तुम्हारी ये जो भतीजी है ये भी क्या बता रही है मुझे बीच बीच में बोल रही है इसको भी शांत कर दो मैं खुद से समझ सकता हूं इस टुकड़े को इस नाटक के हिस्से को ठीक है इन शॉर्ट डियर वूमेन और मैं तुमसे शॉर्टली बोल रहा हूं कि इट शुड शूट मी जस्ट एज वेल इफ यू आर इफ यू वर म्यूट यदि तुम सब क्या रहोगे शांत रहोगे तुम शांत रहोगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे इस नाटक को देखने दो ठीक है इन फैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन इन फैक्ट मैं तो मतलब आप बल्कि मैं तो ये समझूंगा साधारण रूप से मेरा अर्थ ये है कि मैं भरोसा करता हूं कि अब आप मैंने आपसे बोल दिया कि शांत रहो मुझे खुद देखने दो मुझे खुद समझने दो तो अब आप आगे फिर से नहीं बोलोगे मैं भरोसा करता हूं एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच डोंट ब्रीथ अपॉन माय नेक सो मच और मैं ये भी एड करता हूं कि ये जो आप मेरी गर्दन के पास जो आप जो सांसें ले रही है ना है ना तो जो ह्यूमन टच हो रहा है मेरे शरीर से छुप रही है आपकी सांसें जो है मेरे गर्दन के पास से आ रही हैं आप इतनी इतनी सांसें ले रही हैं तो वो जो छू रही हैं तो आप मेरे गर्दन के पास आप ना ही मुझसे बोलिए ना ही मुझे बताइए और ना ही आप मेरे गर्दन के पास जो है सांसें लीजिए